हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज हम सीखेंगे कोड ब्लॉक्स आईडीई कैसे इंस्टॉल करना है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो आइए देखते हैं। कोई भी अपना मनपसंद ब्राउजर खोल लीजिए। यहाँ पे कोड ब्लॉक्स सर्च करें। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक दिखेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट लिंक पे जाना है। फर्स्ट लिंक खोलते ही आपके पास लेटेस्ट वर्जन की काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। इनमें से आपको फोर्थ वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फोर्थ ही क्यों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मिनजी डब्ल्यू सेटअप डॉट ई एक्स ई नाम से कुछ लिखा हुआ है। मिनजी डब्ल्यू बेसिकली आपका एक कंपाइलर है जो आपके कोड्स को कंपाइल करने के बाद उनको रन करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप सिर्फ सेटअप इंस्टॉल करेंगे तो आपको कंपाइलर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो बेहतर रहेगा कि आप मिनजी डब्ल्यू सेटअप इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पे sourceforge.net पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टाइमर आया है। कोड ब्लॉक्स का सेटअप मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया था, तो फाइल्स में जाके उसको क्लिक करिए। उसकी एक्सिक्यूटेबल फाइल को आप ओपन करिए। यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप बॉक्स आएगा। यहाँ पे आप यस को क्लिक करिए। नेक्स्ट, यहाँ पे ये सारी एग्रीमेंट्स पढ़ के आप आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। इनको एज अ बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। नेक्स्ट, इंस्टॉल। यहाँ पे मेरे पास कोड ब्लॉक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यस, यहाँ पे जैसे जैसे फाइल्स आपकी एक्सट्रैक्ट होंगी तो आप देख सकते हैं कि इसका आइकन भी आपके डेस्कटॉप पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आपका एक बॉक्स अपीयर होगा। डू यू वॉन्ट टू रन कोड ब्लॉक्स नाउ, तो येस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। ये रहा आपका पूरा कोड ब्लॉक्स। यहाँ पे अगर आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल में जाइए, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस की काफ़ी कैटेगरीज दिखेंगी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, लेकिन प्रोग्राम लिखने के लिए आप कंसोल एप्लीकेशन पे जाइए और गो कर दीजिए। अगर आप सी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो सी को सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो हमने आज सीख लिया कि कोड ब्लॉक्स आईडीई कैसे इंस्टॉल करना है हमारे सिस्टम पे। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये आईडीई होता क्या है? हमने ये सारा कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल ही क्यों किया है? तो आईडीई के बारे में भी जान लेते हैं। सो व्हाट इज़ एन आईडीई? आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ टेक्स्ट एडिटर, डिबगर एंड कंपाइलर। इट हेल्प्स अस टू राइट आवर प्रोग्राम्स इन ईजी एंड फास्ट वे। जो आईडीई होता है ये ऑल इन वन की तरह काम करता है। ये एक टेक्स्ट एडिटर भी है जिसके ऊपर आप अपने सारे सोर्स कोड्स लिख सकते हो। डीबगर में आप जो आपकी एरर्स होते हैं, जितने भी एरर्स होते हैं प्रोग्राम में, वो डिस्प्ले हो जाते हैं। और कंपाइलर कोड को कंपाइल करने के बाद रन करके आपका आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। पहला, सिंटेक्स हाइलाइटिंग। सिंटेक्स हाइलाइटिंग मेक्स कोड ईजियर टू रीड बाई विजुअली क्लैरिफाइंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज सिंटेक्स। यहाँ पे देखिए एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा हुआ है। जब आप इस प्रोग्राम को आईडीई जैसे कि कोड ब्लॉक्स में चलाते हो तो आपको ये डिफरेंट कलर्स में डिस्प्ले होगा। इससे आपका काम आसान हो जाता है, आपको कोड रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज हमारा है ऑटो कम्प्लीट। वेन द आईडीई नोज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट कैन एंटिसिपेट वॉट यू आर गोइंग टू टाइप नेक्स्ट। जब आप अपना कोड लिखते हो तो
ये ऑटोमेटिकली सिंटेक्स को पहचान के उसको प्रिंट कर देता है। इससे आपका टाइम काफ़ी सेव होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल्स। बिफोर प्रोग्राम रन्स द सोर्स कोड ऑफ अ फाइल मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल बाय द कंपाइलर। वंस कंपाइल द प्रोग्राम कैन बी रन फ्रॉम द टर्मिनल। कोड तैयार करने के बाद उसको आपका जो कंपाइलर है वो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको रन कर सकते हैं टर्मिनल की हेल्प से। नेक्स्ट है डिबगिंग। ये भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। व्हेन अ प्रोग्राम डज नॉट रन करेक्टली IDEs प्रोवाइड डिबगिंग टूल्स दैट अलाउ अस टू एग्जामिन डिफरेंट वेरिएबल्स एंड इंस्पेक्ट देयर कोड इन अ डेलिबरेट वे। IDEs ऑल्सो प्रोवाइड हिंट्स वाइल कोडिंग टू प्रिवेंट एरर्स बिफोर कंपाइलेशन। कोड लिखते टाइम अगर बाय चांस, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, अगर बाय चांस आप सेमी कॉलन भूल जाते हैं तो उसी टाइम वो आपका एरर डिस्प्ले कर देगा। ये सारे एडवांटेजेस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं IDE में। तो आज हमने सीखा कि कोड ब्लॉक्स कैसे इंस्टॉल करना है और IDE के बारे में जाना कि IDE कैसे हेल्पफुल होता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। थैंक यू।